नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान संधु आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं भवानी खेड़ा के खेल मैदान में और हमारे साथ है पूरी बहु अकबरपुर की टीम। तो आइए दोस्तों हम उनसे बातचीत करते हैं और कबड्डी के बारे में जानकारी लेते हैं। पहलवान जी सबसे पहले नमस्कार। राम राम भाई साहब सारा ने अपने भाई। पहलवान जी हमें ये बताइए कि इस सीज़न में गाँव की टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े टीम को? भाई साहब इपकाल अपने सीजन में अपने रेडरा का चोट लगी थी तो इपकाल बहुत ही कमज़ोर फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि भाई दोनों रेडर थे हमारे ऋषि फौजी, उनका चोट लग रही है तो इपकाल बहुत कम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, इस कारण बहुत कम परफॉर्मेंस दी है उन्हें। आइए तो पहलवान जी से जानते हैं उनकी टीम के बारे में और बाकी और साथी खिलाड़ी में। पहलवान जी हमें ये बताइए कि टीम में कौन से नए खिलाड़ी ऐड हुए हैं और जो पुराने खिलाड़ी हैं किस कैसा प्रदर्शन चल रहा है सभी का? भाई साहब जो सरुदय दे बढ़िया पुराने प्लेयर दे रोकी दा परमजीत है, सुरेंद्र मैं हूँ, नए दो बालक ये भाई जोड़े हैं संटी है डैनी है, जैसे भी टीम में जोड़े बिंदे है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीम के साथ साथ, लक्कन है बहुत बढ़िया खेल दिखा रहे हैं, टीम को आगे बढ़ाएंगे। पहलवान जी आप बताइए आप इस टीम में, क्योंकि बहु अकबरपुर का हरियाणा में बहुत सालों से दबदबा रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म करी है बहु अकबरपुर की टीम, तो अपने सीनियर खिलाड़ियों के बारे में कुछ बताइए आप कि कैसा व्यवहार होता है और कितना सपोर्ट करते हैं? भाई सारे सीनियर मतलब बढ़िया बढ़िया आपस में कॉम्बिनेशन है, सारे सीनियर हैं, वही रुकी है, सोनू है, बंटी है, सुरेंद्र है, तो बढ़िया मिलजुल का मतलब बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं भाई जूनियर खिलाड़ी की, अगर गाँव है सारा सही बढ़िया भाई। पहलवान जी आप बताइए कि आप इस सीजन में बाहर की टीमों में भी अच्छा खेल रहे हो, काफ़ी हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो कितनी प्रैक्टिस, क्या डाइट, क्या चीज़ें चलती हैं? भाई प्रैक्टिस भी ठीक है, डाइट भी नॉर्मल है। अभी हम बंटी पहलवान से जानते हैं कि उनकी टीम के बारे में और इंजरीज के बारे में कितना क्या कुछ फेस करना पड़ता है। बंटी जी इसके बारे में बताइए कि इंजरीज प्लेयर के खेल में कितनी रुकावट डालती हैं? भाई इंजरी बहुत रिकॉर्ड डालती है, क्योंकि भाई जुगर हमने देख लो भोगरपुर की टीम है इपकाल सीजन में इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, क्योंकि उसका रेडर जो अमित फौजी मैन है उसका चोट लग गई तो पूरी टीम में एक तरह से बैठ गई घर पे, तो जुगर सुरेंद्र है, सुरेंद्र के भी चोट लग गई तो बहुत आज काफ़ी दिन के बाद कम से कम एक महीने में आज खेलने आए हैं तो यहाँ पे तो इंजरी तो बहुत घना रुकावट डाल है बहुत ज़्यादा। पहलवान जी जैसे पिछले 3-4 सीजन्स में देखा है कि भवगरपुर टॉप 5 टीमों में टॉप 3 टीमों में रही है, तो इस सीजन में पूरे हरियाणा को आपकी कमी खल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी होता है कि ये टूर्नामेंट गया, यहाँ के हम पिछली बारी बेस्ट थे, कुछ ऐसा फील होता है टीम टूर्नामेंट्स को देख के? भाई बहुत घना अफसोस हो गया, क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और इसके बार बहुत मतलब हमने मेहनत भी खूब कर रखी पर भाई चोट के आगे किसका चल रहा है, चोट लगी तो घर पर बैठना पड़ा है। परवान जी जैसे आपने चोट के बारे में बताया तो हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई खिलाड़ी होता है अगर उसको चोट लग जाते हैं तो काफ़ी उनका अपना करियर रुक जाता है, क्योंकि नॉर्मली प्लेयर है जो अपने गरीब फैमिली से आते हैं, मध्यवर्गीय फैमिली से आते हैं और ऑपरेशंस के खर्चे आजकल इतना होता है, जो हम सबसे मेन प्रॉब्लम देखते हैं लिगामेंट की, तो लिगामेंट टियर हो जाते हैं तो ऑपरेशंस पे 1-1.5 लाख रुपये आराम से खर्च हो जाता है जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर जाती, तो इससे प्लेयर्स के सपने टूटते हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे कि कितने प्लेयर्स को अपने इंजरीज की वजह से इन गेम छोड़ना पड़ता है? तो भाई मतलब आप कितने प्लेयर हैं देख ले जिनका चोट लगी है, जो भी पुराने प्लेयर थे उन्होंने चोटे कारण बैठे हैं, क्योंकि भाई किसने खेलने सब तो अपने प्यारो है वो अपने खेलने छोड़ना नहीं चाहता, पर इंजरी हो जाए तो उसने छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और अपा सब मध्यम फैमिली था और भाई जुगर 1-1.5 लाख रुपये भाई कोई भी नहीं लगा सकता, तो इसलिए भाई इंजरी बहुत बचकर रहना चाहिए अपन इंजरी दे। पहलवान जी इस विषय पर, इंजरी के विषय पर या स्पोर्ट्समैन पे है आज तक इंडिया में कुछ नहीं है, जो ना सरकारें इसमें मदद करती है इतना, तो इससे बहुत बच्चों के भी सपने टूटते हैं, बहुत चीज़ें होती है। हमने देखा है कि एक एनजीओ आया है जो प्लेयरों की इंजरीज का ध्यान रखता है, अगर जैसे किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो एनजीओ उनका पूरा ख्याल रखता है, एमआरआई से लेकर फिजियोथेरेपी से लेकर ये सारी चीज़ें होती है, तो पहलवान जी आप बताइए कि ये पहल कितनी अच्छी है और क्या आगे ये लेके आएगी चीज़ें? भाई साहब जो एनजीओ
फर्स्ट चला है ना, इसने बहुत ही समाज सेवी काम करे। अपने जो गरीब बच्चे हैं प्लेयर खेल रहे हैं, चोट लग जाए वहाँ भविष्य उड़े रुक जाए, चोट के कारण ऑपरेशन ही करवा पाते और उड़े रुक जाए सारा उनका। सरकार है, सरकार तो बिल्कुल ही प्लेयर को मारती जा रही है, कोई नौकरी नहीं दे रही, कोई रोजगार नहीं दे रही, तो प्लेयर का भविष्य ही रुक जाता है। लास्ट में प्लेयर दाढ़ी करने पर आता है कि चोट लगी नहीं उसका गेम रहा। और ये जो आपने ट्रस्ट खोला ना भाई साहब, ये समाज सेवी मैं को बहुत ही अच्छा काम किया है। एक गरीब बालक का जिसका सपना है और वो अपना इलाज करवा के दोबारा फिट हो जाया है, तो इससे अच्छा तो समाज सेवी एक भगवान का रूप ही मानिए। जो आपने ये चलाया है ना, तो बहुत ही अच्छा काम किया भाई साहब हमारी नज़र में। तो पहलवान जी, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि आप जो अपने साथी खिलाड़ी हैं, अपने जूनियर खिलाड़ी, उनको क्या संदेश देना चाहोगे और इस एनजीओ के बारे में आप क्या कहोगे? आपकी टीम ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, तो अपने साथी खिलाड़ियों से भी क्या अपील करोगे भाई साहब? मैं जूनियर और अदर प्लेयर को एक यह बात कहूँगा, जो भोगपुरपुर की टीम है वो सारी की सारी इसके साथ रजिस्टर्ड करेगी। अगर भोगपुरपुर की टीम की कहीं भी मदद की जरूरत पड़ेगी, मदद भी करेंगे। जैसे हम खेलते हैं भाई, हमारी पोजिशन आती है, अच्छा खेलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो गरीब बच्चे के लिए हम मदद भी करेंगे। और प्लेयर आदि सीनियर था भाई, इस भाई के लिए ये ट्रस्ट खोला, इसके तो जुड़ो सारे और जूनियर भी सब जुड़ गए ना, इस ना आगे बताओ भाई सारी चीज़ ना। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। हम यही चाहते हैं कि आपकी टीम जल्दी इंजरी से रिकवरी करे और आप वही गेम दिखाएं जो 3-4 सालों से चलता आ रहा है और बहुअकबरपुर हरियाणा की टॉप टीमों में आए। भाई साहब आप कह रहे हो हमारी, हम तो यह कह भगवान दादा हम सारे फिट हो गए दोबारा उसी पोजीशन पर जाएं और हमारी इस ट्रस्ट को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम सारे प्लेयर मिल गए ना मदद करेंगे। पहलवान जी आप बोलिए क्या भाई? शब्द मतलब एक बढ़िया पहल करी है, बढ़िया मुहिम चलाई है भाई। बच्चा चोट लग गया है तो उसमें हमने भी सारी भोगपुरी टीम ने भाई सब ने रजिस्टर करवाया है, तब और भी ज्यादा ज्यादा इसने मतलब बताओ पहुँचाओ अग भाई। ये मतलब बहुत बढ़िया पहल है इस, तो मतलब बच्चा अब अपना गेम नहीं छोड़न पर वो हुआ भाई, उसका इलाज हो सका है सही। पहलवान जी आप बताइए। भाई साहब आपने बहुत बढ़िया पहल करी है, हम दोनों का भाई साहब जितने भी मर्द है छोटे भी हैं साढ़े सीनियर प्लेयर हैं सब इसमें सहयोग करें, एक नंबर की पहल करी है भाई आपने, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ बहुअकबरपुर की टीम, जल्दी हम किसी और टीम से भी रूबरू होंगे या किसी खिलाड़ी से तो उनसे भी बातें करेंगे। तो दोस्तों मेरी यही अपील है कि आप इस एनजीओ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करें। जिस खिलाड़ी को भी कोई इंजरी है, जो भाई खिलाड़ी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।